हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूं अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, प्रेगनेंसी का बहुत ही अच्छा वाला ख्याल रख रहे होंगे। आप सभी को पता है कि 8 अप्रैल को सूर्य ग्रहण लगने वाला है, जैसे कि 25 मार्च को चंद्र ग्रहण लगा था जस्ट, और उसके बाद सूर्य ग्रहण 8 अप्रैल को लगने वाला है। गर्भवती है तो हो जाइए सावधान, क्योंकि ये जो है बहुत बड़ा दुष्प्रभाव पड़ने वाला है इस सूर्य ग्रहण का। यानी कि 59 साल बाद इस तरीके से सूर्य ग्रहण लग रहा है, तो समझ सकते हैं काफ़ी साल बाद लग रहा है, तो इसका प्रभाव भी बहुत ही भयानक होने वाला है। गर्भवती है तो सावधान हो जाइए। सबसे पहले हम जानेंगे कि सूर्य ग्रहण का जो टाइमिंग है वह क्या है। सही टाइमिंग आपको जानना बेहद ज़रूरी है। उसके बाद इस वीडियो में ये भी जानेंगे कि ग्रहण से पहले आपको कौन उपाय करना चाहिए, ग्रहण के दौरान क्या क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, सारी जानकारी आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ। सबसे पहले सूर्य ग्रहण का जो सही टाइमिंग है, 8 अप्रैल को सुबह 9:11 से शुरू हो जाएगा सूर्य ग्रहण। 9:11, ध्यान से सुन लीजिए, 9:11 सुबह से और दोपहर 2:23 पर ये जो सूर्य ग्रहण है समाप्त हो जाएगा। अब हम जानेंगे कि सूर्य ग्रहण जो है कहाँ कहाँ दिखने वाला है, किन किन देशों में दिखेगा। इससे पहले मैं आपको बता दूँ कि किन किन नियमों का आपको पालन करना चाहिए ग्रहण काल के दौरान। सबसे पहले तो आपको यानी कि सोना नहीं है, बिल्कुल भी नहीं। ग्रहण लगता है तो सोना नहीं है। ग्रहण काल के दौरान सोने से शास्त्रों के अनुसार, हमारे बड़े बुजुर्गों के अनुसार कहा जाता है कि बच्चे विकलांग होने की, गर्भ में बच्चे के कष्ट होने की संभावना होती है। अगर आप हाथ पैर मोड़ते हैं तो बच्चों को बहुत ही नुकसानदायक हो सकता है। तो कोशिश कीजिए कि आप ग्रहण काल में ना सोइए, घर के अंदर रहिए, घर से बाहर आपको बिल्कुल भी नहीं निकलना है। ग्रहण में सूर्य ग्रहण बहुत ही बड़ा प्रभाव डालता है, तो घर के अंदर रहिए। आपको खिड़की से भी ताका झाँकी बिल्कुल भी नहीं करना है। कई महिलाओं की आदत होती है कि थोड़ा सा देख लेते हैं कैसा दिख रहा है, किस तरीके से है, तो ये आपको बिल्कुल भी नहीं करना है अगर आप प्रेग्नेंट है तो। दूसरी बात कि पानी तो आप पी सकते हैं, काफ़ी लंबी अवधि की ग्रहण लग रही है तो पानी में पहले ही आप ग्रहण लगने से 5 मिनट पहले ही पानी भर के अपने रूम में रख लीजिए और उसमें तुलसी दल ऐड कर लीजिए। जूस भी आप पी सकते हैं, जो भी आप पियेंगे, पानी पियेंगे उसमें तुलसी दल जरूर होना चाहिए, जिससे कोई भी निगेटिव प्रभाव नहीं पड़ेगा। दूसरी बात यह है कि घर से बाहर तो आपको नहीं निकलनी है। ग्रहण लगने से पहले आपको एक उपाय जरूर कर लेनी है, गेरू वाले उपाय। अपने पेट पे गेरू का लेप लगाइएगा। कई महिलाओं बोल रहे थे गेरू दीदी क्या होता है, किसी भी भंसारी के दुकान में आप जाइएगा, बोलिएगा कि मुझे गेरू चाहिए तो वो आपको आसानी से दे देगा। ईट कलर का गेरू होता है, मैं आपको कलर बता देती हूँ, या आप गूगल पर सर्च कर लीजिएगा, ईट कलर का गेरू होता है, आपको आसानी से मिल जाएगी मार्केट में। गंगा जल में आपको लेप लगाना है और अपने नाभि के पास पूरे पेट पे आपको लगा लेना है। इसे कोई भी निगेटिव प्रभाव नहीं पड़ता है, सूर्य ग्रहण हो या चंद्र ग्रहण का। ये उपाय आप बिल्कुल भी मत भूलिएगा। दूसरी उपाय आपको करनी है नारियल वाले उपाय। आपको एक नारियल मंगा के घर में रख लेना है और उसे लाल रंग के कपड़े में लपेट कर अपने तकिए के नीचे रख लीजिएगा, जिस रूम में आप ग्रहण काल के दौरान रहने वाले हैं। ग्रहण समाप्त होने के बाद इस नारियल को क्या करना है, आपको बहते पानी में विसर्जन कर देना है, नहा धोवा कर और साफ सुथरा होकर पूरे घर में गंगा जल छिड़कने के बाद। और जो उपाय है कि क्या आपको नहीं करना है, सोना तो नहीं है, उसके बाद आपको सुई धागे का सिलाई बुनाई हुआ, कटाई छटाई हो गई, जैसे सब्जी कट करना चाकू से। कई महिलाएं चाकू से सब्जी कट करते हैं, तो ग्रहण काल के दौरान आपको तो खाना पीना बनाना वर्जित है, खाना खाना भी नहीं चाहिए, तो आप जाहिर सी बात है कि सब्जी भी आप नहीं कट करेंगे। और जैसे कोई भी चीज़ को आप फल फ्रूट हुआ कुछ भी आपको चाकू से नहीं कट करनी है, सिलाई बुनाई आपको नहीं करनी है, सुई धागा के काम नहीं करनी है, ये उपाय आप बिल्कुल भी मत कीजिएगा। कई महिला बोल रही थी कि दीदी ग्रहण समाप्त हो जाएगा तो उसके बाद क्या हम सिर धो सकते हैं शैम्पू से? जी, आप शैम्पू से सिर धो सकते हैं, सारे साफ सुथरा अच्छे से होकर, घर को अच्छे से साफ सुथरा करके पूरे घर में गंगा जल जरूर छिड़कीएगा। मैं हमेशा बोलती हूँ हर वीडियो में जब ग्रहण लगता है तो, कि ग्रहण समाप्त होने के बाद जितना भी जो निगेटिव प्रभाव होता है गंगा जल छिड़कने से सभी खत्म हो जाता है, तो गंगा जल जरूर छिड़कीएगा और पूजा पाठ कीजिएगा। आप मंदिर जा सकते हैं, पूजा पाठ करने घर में कीजिए, घर में करने के बाद ही आप मंदिर जाइएगा। उसके बाद आप ब्राह्मण को दान दे सकते हैं। दान में अगर आपने कपड़ा दान कर दिया तो बहुत ही उत्तम माना जाता है। खाने पीने की वो सामान भी आप दान पुण्य कर सकते हैं। बोला जाता है कि ग्रहण के बाद दान करने से 100 गुना पुण्य मिलता है, तो इस आप मौका को मत छोड़िएगा। अगर आप प्रेग्नेंट है तो आपको जरूर करना चाहिए। मैं हाईली रिकमेंड करूँगी आपको कि प्रेग्नेंट लेडीज़ को तो दान पुण्य जरूर करना चाहिए अपने होने वाला बेबी की सलामती के लिए।
अब हम जानेंगे ग्रहण कौन कौन देशों में दिखाई देने वाला है। तो देखिए कनाडा में दिखाई देगा और उत्तरी अमेरिका में, कनाडा उत्तरी अमेरिका में, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका में भी दिखेगा, मैक्सिको में दिखेगा, आयरलैंड एवं उत्तर पश्चिम क्षेत्र में, यानी कि अमेरिका के उत्तरी हिस्से में यह ग्रहण बहुत ही स्पष्ट रूप से दिखाई देने वाला है। अमेरिका के उत्तरी क्षेत्र में यह ग्रहण बहुत ही मतलब कि अच्छी तरीके से दिखेगा। हालांकि भारत में अभी इसका कोई भी तो नहीं दिखाया जा रहा, लेकिन इन सारे देशों में सूर्य ग्रहण बहुत ही क्लियर दिखने वाला है। आई होप आज की वीडियो आपको अच्छी लगी हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में।